अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे और स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट चैप्टर ऑफ नाइन्थ फिजिक्स, डैट इज हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था हीट की डेफिनेशन, कि हीट की क्या डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि हीट तीन तरीकों से ट्रांसफ़र होती है, बाय कंडक्शन, दूसरा प्रोसेस है बाय कन्वेक्शन, जबकि तीसरा प्रोसेस है बाई रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कंडक्शन पढ़ लिया है, आज के लेक्चर में हम बाई कन्वेक्शन पढ़ेंगे। कंडक्शन को मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता चलूँ कि कंडक्शन क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल। हमने देखा था कि हमने एक रॉड लेते हैं, रॉड के एक सिरे को हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ आस्ता ट्रांसफ़र होती है। तो इसके जो एटम्स हैं, एक एटम है वो वाइब्रेट करता है अपनी जगह से और दूसरे एटम को डिस्टर्ब करता है, दूसरा तीसरे करता है, इसी तरीके से सो ऑन, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच जाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें देखा था कि पार्टिकल हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते थे, इसको हम बोलते हैं बाई ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कंडक्शन। इसी तरीके से हम आज पढ़ेंगे बाई कन्वेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, बाई कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट विद एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही उससे मिलती जुलती यही डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट विद एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कंडक्शन में हमने देखा था विदाउट एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जबकि कन्वेक्शन में हमने देखा है विद एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कंडक्शन में विदाउट मोमेंट ऑफ पार्टिकल और कनेक्शन में विद द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सॉलिड में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है आसानी से। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन हम कन्वेक्शन में देखेंगे गैसेस को और लिक्विड को। डियर स्टूडेंट्स, कंडक्शन में ये जो सी गैसेस और लिक्विड्स होते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स, ये हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते। जिस तरह हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड में हमने देखा कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, इसी तरीके से गैसेस और लिक्विड्स में हमारे पास हीट उस तरह ट्रांसफर है, इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि कन्वेक्शन क्या चीज़ है। आपने देखा होगा फ्रीज़र का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हमारे पास क्या होती है, कोल्ड एयर होती है, और जबकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है फ्रीज़र का, उसमें हमने देखा है कि हमारे पास गर्म हवा होती है। गर्म हवा क्योंकि वो जो हमारे पास कोई भी चीज़ें हमने उसमें रखी होती हैं, हीट उधर से एब्जॉर्व करते हैं
और वो क्या करते हैं, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, यानी फ्रीजर के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाती है, और जो उसके ऊपर फ्रीजर के ऊपर जो कोल्ड एयर होती है और वो क्या करती है, सिंक कर जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसी से हम क्या काम करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी तो हम ये क्या कहेंगे कि ये कि कौन सा प्रोसेस है, बाई कन्वेक्शन। बाई कन्वेक्शन तो हम द प्रोसेस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट ऊपर जो फ्रीजर वाला हमने हिस्सा रखा है, हीट एक हिस्से से दूसरे का ट्रांसफर होगी विद एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आर्टिकल कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कन्वेक्शन। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करता चलूँ कि हमने क्या देखा था कंडक्शन में, द प्रोसेस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट विद विदाउट एनी एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, विदाउट एनी एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड बाई कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट विद एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आर्टिकल कन्वेक्शन।